एक ऐसे चैनल के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ जहां पर अगर आप इस तरीके का चैनल बना लेते हैं तो आप हर एक महीने आसानी से 50 से 60 हजार रुपया कमा सकते हैं। ज्यादा नहीं, 50 से 60 हजार, 70 हजार, 80 हजार, 1 लाख तक। 1 लाख तक कमाना काफी आसान है। सिर्फ वॉइस ओवर करना है, आपको चेहरा नहीं दिखाना है, बिल्कुल आप चुपके से इस चैनल को बना सकते हैं। और ऐसा चैनल है जहां पे कंटेंट आपको सारा गूगल पर मिल जाएगा, सारा कुछ गूगल पे आपको मिल जाएगा। गूगल से रिसर्च करना और रिसर्च करके यूट्यूब पे उसको बताना है, बस बताना है आपको, वॉइस ओवर कर देना है और आपका चैनल करीब 20 से 25 दिन में बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर अचीव कर सकता है और बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। क्योंकि एक भाई सिर्फ 4 वीडियो डाला है और 4 वीडियो में 1,85,000 सब्सक्राइबर अचीव किया है, और इतना कम समय में कि आप सोच भी नहीं सकते, सिर्फ 2 महीने में। जबकि 4 ही वीडियो डाला 2 महीने में, और 2 महीने में इनका 1,85,000 सब्सक्राइबर है। जबकि आपका 1,000 सब्सक्राइबर करने में 1 साल, 5 महीना, 6 महीना, 7 महीना इस तरीके से बिता देते हैं, फिर भी आपका चैनल नहीं चलता है। लेकिन आज मैं आपको बताने जा रहा हूं सीक्रेट तरीका, जिस तरीके से आपको काम करना है और इसी कंटेंट पे काम करना है, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं अपने चैनल को लेकर। नहीं तो सब दिन आप बस काम करते रह जाएंगे, कोई पैसा नहीं मिलने वाला है और व्यूज भी नहीं आएगा, चैनल पे सब्सक्राइबर भी नहीं आएंगे, बस फालतू का कंटेंट बनाने में आपका टाइम वेस्ट होगा। उससे अच्छा है कि मैं आपको लाइव दिखाता हूं यह चैनल, जिस चैनल की मैं बात कर रहा हूं, और यह चैनल का कंटेंट कैसे बनेगा, थंबनेल कैसे बनेगा, सारा कुछ आपको डिटेल में बता देंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहां पर आपका भाई इसी तरीके का इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आता रहता है। तो दोस्तों हम आ चुके हैं मोबाइल स्क्रीन पे, यहाँ पे गौर से देखिए चैनल है, चैनल का नाम है मन की जीत। यहाँ पे सिर्फ 4 वीडियो है, 185 के सब्सक्राइबर है, जो आपके लिए काफी ज्यादा बड़ी बात होगा। आप सोच रहे होंगे कि यार इतना जल्दी कैसे 4 वीडियो में इतना सब्सक्राइबर कैसे हो सकता है, शॉर्ट वीडियो से इन्होंने सब्सक्राइबर लाया है। तो ऐसा भी नहीं है, शॉर्ट्स नहीं लाया है इन्होंने, कोई भी शॉर्ट वीडियो इनके चैनल पे नहीं है, ध्यान से देखिए, कोई भी शॉर्ट वीडियो नहीं है। और यह चैनल बना है 2023 में अप्रैल में ही, चैनल को भी ज्यादा दिन हुआ नहीं है। कंटेंट इस पे कब से डाला जा रहा है वो भी आपको दिखा देते हैं। तो कंटेंट इस पे करीब 2 महीने पहले एक डाला गया था, जिसका टाइटल था भगवान शिव के दरबार में न्याय मांगता कलयुग, 4 युगों में झगड़ा क्यों हुआ, यह इनका है टाइटल। और इसी थंबनेल पर इन्होंने कंटेंट बनाया है, और कंटेंट पे व्यूज कितना गया है, 5 मिलियन, जो मैं आपको दिखा भी देता हूँ चलाकर, और यह मैं चालू कर देता हूँ। यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि ग्रंथों से बहुत सारे ऐसे चीज हैं जो सर्चेबल है, और आप सर्च करके उस पर एक वीडियो बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे इन्होंने बताया है कि 4 युगों में कैसे हुआ लड़ाई, भगवान शिव से कलयुग आखिर न्याय मांगने क्यों गया, इस तरीके का इनका कंटेंट है। लाइक इस पे है 75,000, 5 मिलियन व्यूज है, कॉमेंट है 1500, और इसका सब्सक्राइबर इतना तेजी से बढ़ा है सिर्फ इसी वीडियो से कि इस भाई ने क्या किया कि एक और वीडियो बना दिया, जिस वीडियो को मैं आपको नीचे दिखाता हूं। इनका सब्सक्राइबर 3.1 मिलियन, यहां पे है टाइटल है ब्रह्मा जी के दरबार में आयु कैसे बाटी गई, यह भी एक टाइटल देकर इन्होंने कंटेंट बनाया। देखा जाए तो आमतौर पे इस तरीके का कंटेंट बहुत लोग सोचते हैं कि यार धरती का निर्माण कैसा हुआ, लोगों का आयु कैसे बढ़ता है, कलयुग क्या है, सब कुछ जानने का होता ना एक ख्वाब रहता है, लोग सर्च करते हैं, देखते हैं, और इसी का फायदा उठाया इस भाई साहब ने। देखिए इनका चैनल में है क्या नॉर्मली, इनका जो वीडियो है ध्यान से देख लीजिए एक बार फिर से, यहाँ पे सिर्फ एक पीछे इन्होंने बैकग्राउंड लिया है पहाड़ का, ठीक है, और एक शंकर भगवान का यहाँ पे इन्होंने PNG ऐड कर दिया है, और एक सतयुग नाम का एक मतलब कार्टून टाइप का इन्होंने उठाया है फोटो, जिसको PNG में बदल दिया है। उसके बाद त्रेता का भी और द्वापर का भी और कलयुग का भी, और चारों को यह PNG लगा दिए हैं इस बैकग्राउंड में, और एक तरफ शंकर भगवान का PNG है, और 5 PNG के साथ एक थंबनेल बना दिया है, और इसी फोटो को यह पूरा वीडियो में यूज कर रहा है और उस पर वॉइस ओवर कर रहा है। होता नहीं कोई एडिटिंग करता है, एडिटिंग करके व्यूज लाता है इस तरीके से, नहीं यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे सिर्फ इनका क्या है, सिर्फ और सिर्फ यह भाई क्या कर रहे हैं कि इस फोटो पर ही वॉइस ओवर कर रहे हैं, और वॉइस ओवर से पैसा छाप रहा है। 5 मिलियन व्यूज गया, सोच लीजिए 1 मिलियन पे अगर इनका 40,000 भी बना होगा तो कितना ज्यादा यह पैसा बनाए होंगे, बहुत अच्छा खासा पैसा बना होगा इनका। और जबकि इनके चैनल पे इसके अलावा भी एक और वीडियो है जिसपे देखिए 3.1 मिलियन व्यूज है, और यहाँ पर भी उसी तरीके से कंटेंट है, मैं आपको चालू करके दिखा देता हूँ। यह वीडियो में देखेंगे तो आप इनका कितना व्यूज आया, 3.1 मिलियन। यहाँ पे भी इन्होंने क्या किया है, बस एक फोटो लिया है, ठीक है, और एक फोटो पे ही वॉइस ओवर करते जा रहा है। देखिए एक फोटो पे इनका वॉइस ओवर चल रहा है। और सबसे बड़ा बात क्या है, यहाँ पे देखिए एक तरफ ब्रह्मदेव का PNG लगाया है, एक तरफ एक डॉग है, और एक तरफ एक मनुष्य का लगाया है, और दूसरी तरफ शायद ये उल्लू है, उसके बाद एक इधर गधा है, शायद गधा मुझे लग रहा है, मतलब 3 जानवर का लगाया है, एक मनुष्य का लगाया है और एक ब्रह्मदेव का।
और इसी फोटो पे यह वॉयस ओवर करते जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि इसमें 3 मिलियन व्यूज है, कोई खास एडिटिंग नहीं है, फिर भी इतना व्यूज आ गया है क्योंकि यह सब लोग जानना चाहते हैं, सर्च करते हैं, सर्चेबल कंटेंट है तो व्यूज आएगा। और आप सब क्या करोगे, वैसा कंटेंट पे काम करोगे जो जो सर्चेबल ही नहीं है, जिसको कोई सर्च नहीं कर रहा, जिसको कि कोई ढूंढ ही नहीं रहा यूट्यूब पे, तो वैसा कंटेंट कौन देखेगा भाई? और यूट्यूब क्यों उसको ब्राउज फीचर में भेजेगा, क्यों सजेशन में डालेगा? जब आपका कंटेंट वैसा नहीं होगा तो क्यों यूट्यूब आपके वीडियो को प्रमोट करेगा? नहीं करेगा। तो इसके लिए आपको इस तरीके का कंटेंट बनाना है जहां पे सर्चेबल कंटेंट हो। तो यह एक सर्चेबल कंटेंट है जो कि हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है। हिंदू धर्म से जुड़ी बहुत सारी कथाएं, कहानियां, जो भी कह सकते हैं आप, जो सच घटनाएं हैं उसको आप बता सकते हैं यूट्यूब में और उससे आप पैसा कमा सकते हैं। हिंदू धर्म में यार ये सब तो नॉर्मली आपको बचपन से ही पता हो जाता है सारा कुछ, चाहे जो भी हो, हनुमान जी के बारे में या फिर किसी भगवान के बारे में, तो आप उनके ऊपर वीडियो बना सकते हैं यूट्यूब पर और उनके बारे में बता सकते हैं जैसा यह बता रहा है। सबसे बड़ा बात है यहाँ पे कोई चीज आपको करना ही नहीं है, सिर्फ एक फोटो बनाना है, नॉर्मल साइज जो फोटो है वो तो आप यूट्यूब से, वो तो आप गूगल से भी उठा सकते हैं, जैसे या सिर्फ एक ही फोटो पे वॉइस ओवर कर रहे हैं यहाँ पे, देख लीजिए फिर से एक बार। और इसमें खास बात है कि एक म्यूजिक चलाया जा रहा है जो कुदवे का है, जो आप सर्च कीजिए यूट्यूब पे तो मिल जाएगा वो, और उसको आप डाउनलोड करके इजिली अपने वीडियो में यूज कर सकते हैं, कोई कॉपीराइट नहीं आएगा, कोई क्लेम नहीं आएगा और ना ही आपको रीयूज का प्रॉब्लम आएगा क्योंकि आप वॉइस ओवर इसमें कर रहे हो, जहां पे आपका वॉइस ऐड हो जाता है वहां पे आपका कंटेंट अपना हो जाता है। लेकिन इसको वॉइस ओवर करने के लिए हमें सबसे पहला काम क्या करना होगा, सबसे पहला काम हम लोग चलेंगे गूगल पे, ठीक है? तो हम लोग आ जाते हैं गूगल पे। गूगल पे अगर आपको सर्च करना है, जैसे हमको कलयुग के बारे में जानना है, ठीक है? तो कलयुग मान लीजिए हमारा कंटेंट है कलयुग, तो कलयुग हम सर्च करेंगे, कलयुग एक फिल्म भी आ चुका है, तो कलयुग हम लोग फिल्म वाला पोस्टर नहीं उठाएंगे जैसा कि यहाँ दिखाया गया है, जैसे यह एक फोटो है इसको हम डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? ऐसे डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारा कलयुग का फोटो दिया गया है यहाँ पे, देखिए यह भी एक पिक है, इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके अलावा इधर भी है, जितना सारा आपको मिलेगा कलयुग, काली माता, जो भी जिनका भी फोटो मिल रहा है सबका, जो हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है या फिर किसी भी चीज पे बनाना चाहते हैं, तो मैं बता रहा हूं इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है? डाउनलोड करने के बाद जैसा कि इनका कंटेंट था, नॉर्मली इन्होंने क्या किया था कि काइन मास्टर में, देखिए जैसे मैं काइन मास्टर में आपको लेकर चलता हूँ। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं काइन मास्टर में। काइन मास्टर में आने के बाद नॉर्मली आपको भाई आ जाना है यूट्यूब साइट चूज कर लीजिएगा और आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद पिक्चर पे आना है, जो मैं फोटो डाउनलोड किया हूँ उसको लूंगा, ठीक है? यह फोटो मैं डाउनलोड किया हूँ, इसके अलावा भी बहुत सारे इसमें फोटो पहले से भी है तो उसको भी आप यूज कर सकते हैं, और नहीं तो आप जो भी है आप उसका यूज कीजिए, ठीक है? तो मैं 3-4 फोटो ले लिया, ठीक है? उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको नॉर्मली क्या करना है, इस पर क्लिक करना है, पेन एंड जूम पे जाना है और इसको ऐसे इक्वल कर देना है और यहाँ पे बंद कर देना है, इसको लॉक कर देना है और फिर से जाना है, देखिए एक और फोटो है, इसको भी जाना है ऐसे ऐसे कर देना है, ठीक है? उनका सिर्फ एक ही फोटो पे वॉइस ओवर था, हम तो सिर्फ यहाँ पे 4 फोटो का यूज करने वाला है, जैसे एक ही फोटो को 2 बार यूज किया ऐसे और एक लास्ट में एक ये फोटो है, ठीक है? मान लीजिए हमारा जो भी है, मान लीजिए हमारा कथा है जो बताने जा रहे हैं वह है हनुमान जी सूर्य भगवान को जो ग्रहण कर लिए थे, उसके ऊपर कंटेंट है हमारा। तो उसी चीज को आपको क्या करना है, पहले सबसे पहले गूगल पे सर्च कर लेना है, आपको आपको जान लेना है जिस भी घटना पे आप बात कर रहे हैं, जैसे कलयुग के बारे में बात हो रहा था कलयुग कैसा होगा, तो यहाँ पे आपको रिकॉर्डिंग पे जाना है और रिकॉर्डिंग पे जाने के बाद स्टार्ट पे जाना है और यहाँ पे आप वॉयस ओवर करना शुरू कर दीजिएगा। आप जो भी कंटेंट चलाना चाहते हैं, जो भी बोलना चाहते हैं, जो भी आपका स्क्रिप्ट है उसको यहाँ पे बोलना शुरू कर देना और यह रिकॉर्ड होता जाएगा। और उसके बाद आपको एक पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक लगा देना है, कोई सा नॉन कॉपीराइट बैकग्राउंड म्यूजिक आप यूट्यूब से डाउनलोड कर लीजिएगा या फिर यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी आपको मिल जाएगा क्रोम ब्राउजर में, वहां पर जाइएगा, जब चैनल कस्टमाइज कीजिएगा तो वहां पे आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं, इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया है, आप यूट्यूब पर सर्च करके देख लीजिएगा। और जब इसको वॉइस ओवर कर लीजिएगा उसके बाद देखिए वॉइस ओवर करना शुरू कर दीजिएगा। आप जो भी कंटेंट चलाना चाहते हैं, जो भी बोलना चाहते हैं, देखिए जो भी हम बोले रिकॉर्ड हो गया, इसको बोलते हैं वॉइस ओवर। तो यहाँ पे जो भी फोटो है, इस फोटो को आप लेंथ बढ़ा सकते हैं, जैसे देखिए लेंथ ऐसे हम बढ़ा रहे हैं क्योंकि उस फोटो में सिर्फ एक ही फोटो पे आप 5-5 मिनट लगातार वॉइस ओवर कर रहे थे, तो एक ही फोटो पे आप 5 मिनट 10 मिनट जितना मिनट चाहते हैं उतना मिनट वॉइस ओवर कर सकते हैं, ऐसे बोलते रह सकते हैं रिकॉर्डिंग पे चालू करके। और उसके बाद यह आपका वीडियो रेडी हो जाएगा, ठीक है? रेडी होने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है और सेव एज ए वीडियो पे क्लिक कर देना है और वीडियो सेव। अब बात रही थंबनेल बनाने की, तो थंबनेल बनाना और ज्यादा आसान है क्योंकि थंबनेल बनाने के लिए आपको नॉर्मली एक बैकग्राउंड फोटो चाहिए, जो फोटो मैं अभी आपको दिखाया
काइन मास्टर में उसी फोटो को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वहां पे टाइटल अपना दे सकते हैं, जो भी लिखते हैं आप। थंबनेल बनाना तो हर कोई जानता है क्योंकि मैं इतना दिन सता रहा हूं, थंबनेल बनाना तो आपको पता ही होगा। मेन था कंटेंट, और उसके बाद आता है कैटेगरी। इसका कैटेगरी क्या होगा? इसका कैटेगरी होगा भाई एजुकेशन, क्योंकि यहाँ पर आप एक तरीके का शिक्षा दे रहे हैं, लोगों को ज्ञान दे रहे हैं, तो इसका कैटेगरी आप एजुकेशन रख दीजिएगा। और इस कंटेंट पे आप लगातार काम कीजिए, जो भी कंटेंट आपको ढूंढना है सारा गूगल पे मिल जाएगा। हिंदू धर्म से जुड़ा जितना भी सच्ची सच्ची घटनाएं हैं उसको आप इस्तेमाल कीजिए अपने कंटेंट में, और वीडियो बनाइए और उसको अपलोड कर दीजिए यूट्यूब पे वॉइस ओवर करके। इस भाई की तरह पैसा कमा सकते हैं आप, जैसे सिर्फ चार वीडियो, ध्यान से देखिए, सिर्फ चार वीडियो 1,85,000 सब्सक्राइबर और हर एक महीना 1,00,000 रुपया कमाते हैं इस चैनल से। अगर आप ऐसा चैनल बना लेते हैं बिना कोई के बताए तो आप भी महीने का 1,00,000 रुपया कमा सकते हैं। यह चैनल बिल्कुल फाड़ू कह सकते हैं, आपके लिए जबरदस्त है, क्योंकि आप 1 साल से काम कर रहे हैं, 1,000 सब्सक्राइबर है, उसके आगे आप बढ़ नहीं रहे, किसी का तो 1,000 भी नहीं है। यह चैनल सिर्फ चार वीडियो में इतना सब्सक्राइबर दे गया है, तो आप एक महीने में तो कम से कम कर ही सकते हैं 1,000 सब्सक्राइबर, चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, आपका पैसा कमाना शुरू कर देंगे। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए भाई का चैनल गोविंदा भाई सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको इसी तरीके का अच्छा अच्छा कंटेंट मिलते रहता है।